अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए खास तैयारी, ताज नगरी इस अंदाज में बोलेगी नमस्ते ट्रम्प। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 24 फरवरी को दिल्ली से पहले अहमदाबाद जाएंगे, वहां से आगरा आएंगे। आगरा और अहमदाबाद के अफसरों में यह होड़ लगी है कि किसके यहां स्वागत सत्कार बेहतर हो। अहमदाबाद में जबरदस्त तैयारी पहले से चल रही है, अब आगरा में तैयारी ने तेजी पकड़ी है। यहां खेरिया एयरपोर्ट से निकलते ही ताजमहल तक रास्ते में दोनों ओर डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट लगाए जाएंगे। जगह जगह होर्डिंग होंगे जिन पर ट्रम्प और उनकी पत्नी का वेलकम लिखा होगा। जगह जगह स्टैंडी भी लगाई जाएंगी। मंडलायुक्त अनिल कुमार ने रविवार को पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ ताजमहल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान यह चर्चा तक हुई कि डोनाल्ड ट्रम्प को शू कवर कहां पर पहनाए जाएंगे। सैलानियों को ये चमेली फर्श पर जाने से पहले पहनाए जाते हैं। ट्रम्प को इससे पहले ही पहनाए जाने पर विचार हुआ। दूसरा मुद्दा यह आया कि ट्रम्प को वो बुकलेट कहां दी जाएगी जिस पर राष्ट्राध्यक्ष ताज के बारे में अपने विचार लिखते हैं। मंडलायुक्त ने बताया कि सभी तैयारियों का जायजा लिया है। ताज के आसपास कुत्ते गाय को पकड़ने के लिए नगर निगम की टीम लगा दी गई है। ताज के मुख्य मकबरे के पास फवारे हैं, इनसे पानी की बूंदें रास्ते पर आती हैं। ऐसे में कहीं फिसलन तो नहीं है, इसकी जानकारी लेने के लिए पुलिस प्रशासन के अफसरों ने पैदल चलकर देखा। डोनाल्ड ट्रम्प 24 फरवरी को आएंगे, तापमान अब चढ़ने लगा है, ऐसे में डायना सीट का पत्थर गर्म हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए खास व्यवस्था की गई है, एक कर्मचारी इस बात का ध्यान रखेगा कि सीट का पत्थर गर्म न होने पाए। यह जैसे ही गर्म होने लगे इस पर पानी डालकर ठंडा कर दिया जाए। 2 साल पहले ब्रिटेन के शाही जोड़े के आने पर ऐसा ही किया गया था।